फ्रेंड, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है ओप्पो K1। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ कीबोर्ड में खुद का फोटो कैसे लगाएं। जी हाँ फ्रेंड, आज के वीडियो में यही सीखेंगे। और फ्रेंड, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में बड़े आसानी से कीबोर्ड में फोटो लगा सकते हैं अपना खुद का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले या व्हाट्सएप या फेसबुक कहीं से भी आपको कीबोर्ड को आपको ओपन कर लेना है। तो मैंने ये कीबोर्ड ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है और सेटिंग्स का देख सकते हैं आइकन ये है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, थीम पे आपको क्लिक कर देना है। थीम पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप और भी लगा सकते हैं, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। आपको जो भी फोटो लगाना है, ठीक है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है। आपको जो भी जितना साइज रखना है आपको उस हिसाब से साइज पे रख लेना है, ठीक है। तो मैं ये इतना रख लेता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप जो है ये देख सकते हैं इसका ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं कीबोर्ड का, तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो है आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद अब मैं दिखा रही, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है, अप्लाई पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये ऐड हो चुका है कीबोर्ड में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, देखने को आपको देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।